हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह आप लोगों का अपने चैनल सक्सेस मंथ में वेलकम करती हूँ। तो बहुत 2-3 दिनों से करंट अफेयर नहीं ला पाई थी, थोड़ी सी हेल्थ इशू हो गया था इस वजह से। तो 26 से 29 जुलाई 3 दिन का 4 दिन का लगातार मैं करंट अफेयर आपके सामने लेकर आई हूँ, जिसमें हम लोग देखेंगे देश और दुनिया में क्या नया हुआ, क्या स्पोर्ट्स में नया हुआ और क्या हमारी इकोनॉमी में घटा है। ये जो करंट अफेयर कर रहे हैं ये मैं बिल्कुल छांट के लेकर आई हूँ, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो भी सीरीज़ मेंस की चल रही है वो एज इट इज़ आपकी चलती रहेगी। तो ऐसे ही सक्सेस मन चैनल को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की सरकार ने पबजी पर प्रतिबंध लगा दिया है? इंडिया ने तो लगाया ही है, उसके अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। किसने लगाया है? तो ये लगाया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की यहाँ बात करते हैं तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, प्रधानमंत्री है इमरान खान और राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? इजीमाला, नागपुर, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है भारतीय नौसेना के लिए और आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्थापित किया गया है इजीमाला में। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो सौर ऊर्जा संयंत्रों के सभी घटकों के को स्वदेशी रूप से तैयार किया गया है। इजीमाला जो है वो केरल राज्य में है, तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ हो जाता है। भारतीय नौसेना की बात करें तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमवीर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को, 21 जुलाई को, 26 जुलाई को, इनमें से कोई नहीं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। चलिए एक्सप्लेनेशन। 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने करगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत भूमि को घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त कराया। इसी याद में 26 जुलाई को हर वर्ष करगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेंजामिन उमकांपा का निधन हो गया, वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इस टाइप के क्वेश्चन यूपीपीएससी में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो ऑप्शन है जर्मनी, तंजानिया, आइसलैंड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है तंजानिया, वो तंजानिया के राष्ट्रपति थे। तंजानिया की बात करते हैं तो उसकी राजधानी है डोडोमा, मुद्रा है तंजानिया शिलिंग और राष्ट्रपति है जॉन मैगुफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने MSME मतलब सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है? ऑप्शन है नीति आयोग, मुथूट फिनकार्प, SBI बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है मुथूट फिनकार्प। इस पोर्टल का उद्देश्य देश भर में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र के व्यवसाय को लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू करने के लिए लॉन्च किया गया है। आज का अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में अंटार्कटिका से एंथ्रोस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? इसरो ने, नासा ने, स्पेसएक्स ने, इनमें से कोई नहीं। तो ये किया गया है नासा के द्वारा। इस मिशन के तहत स्टेडियम जितने बड़े गुब्बारे में 8.4 फुट का एक दूरबीन पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फीयर में भेज जाएगा और ये दूरबीन इंफ्रारेड रोशनी और ज़्यादा वेवलेंथ वाली रोशनी का अध्ययन करेगा। अब नासा की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में और अध्यक्ष इस समय करंट में है जिम ब्रिडेनस्टाइन। हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप को किसने लॉन्च किया है? अमित शाह, स्मृति ईरानी और सोनू सूद, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन देख के तो आपको अमित शाह, स्मृति ईरानी में से एक लग रहा होगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है सोनू सूद। इस ऐप की मदद से प्रवासी मजदूरों को देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का पता लग सकेगा और फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने इस ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमला शंकर का निधन हो गया, वे कौन थी? लेखक, निर्देशक, कोरियोग्राफर या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है कोरियोग्राफर। उन्हें 2011 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कला में उनके योगदान के लिए बंग विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में ओला ने किस नाम से वैश्विक ग्राहकों के लिए एंटरप्राइज मोबिलिटी समाधान शुरू किया है? ओला ग्लोबल, ओला कॉरपोरेट, ओला एंटरप्राइजेस या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ओला कॉरपोरेट।
यह समाधान सबसे पहले भारतीय बाजार में उतारा गया और जिसने देश में 10,000 कॉरपोरेट उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया था। ओला की बात करते हैं तो इसके सीईओ हैं भावेश अग्रवाल और इसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गौधन न्याय योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा। गौधन न्याय योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार पशुपालकों से 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गाय के गोबर की खरीद करेगी और यह योजना गाय के गोबर को एक भरोसेमंद फायदेमंद वस्तु में बदलेगी। अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई है 1 नवंबर 2000 को। राजधानी है अटल नगर, जिसे नया रायपुर कहा जाता है। मुख्यमंत्री है प्रेजेंट में भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है पी आर रामचंद्र मेनन। लोकसभा की यहाँ 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं और विधानसभा की 90 सीटें हैं। चलिए आगे बात करते हैं, भारत ने संप्रभुता और अखंडता विरोधी गतिविधियों के आरोप में चीन के कितने और ऐप्स पे बैन लगा दिया है? तो ये लगाया है अब 47 ऐप्स पे बैन। ये सभी ऐप पहले भी बैन किए गए थे और ये ऐप क्लोन के तौर पर कार्य कर रहे थे। अब नेक्स्ट है, आईसीसी ने कौन सी लीग की शुरुआत की है जो कि भारत में 2023 में होने वाले विश्व कप का क्वालिफायर है? इंडिया सुपर लीग, ओवर सुपर लीग, एक दिवसीय सुपर लीग या T20 सुपर लीग? तो करेक्ट आंसर है एक दिवसीय सुपर लीग। आईसीसी मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में एक दिवसीय सुपर लीग की शुरुआत की है जो कि भारत में 2023 में होने वाले विश्व कप का क्वालिफायर है। इस लीग का उद्देश्य 50 ओवर के प्रारूप को अधिक प्रासंगिक बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग की समीक्षा को किस वर्ष तक के लिए टाल दिया गया है? तो ये टाला गया है 2021 तक के लिए। भारत में आर्थिक अपराध पर रोक लगाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग की समस्या को कोरोना महामारी की वजह से वर्ष 2021 तक के लिए टाल दिया गया है। FATF ने के विशेषज्ञ सितंबर अक्टूबर में भारत आकर इन कदमों की समीक्षा करने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए कितने राफेल फाइटर जेट फ्रांस से रवाना हो चुके हैं? 2, 3, 4 या 5? तो 2 रवाना हो चुके हैं और आज है 29 जुलाई और आज वो इंडिया आएंगे। यहाँ 5 राफेल जेट लिखे हुए हैं, इसको मैं क्लियर करके आपको बता दूंगी, 5 राफेल फाइटर जेट। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए 5 राफेल फाइटर जेट फ्रांस से रवाना हो चुके हैं जो कि 29 जुलाई 2020 को भारत आ जाएंगे। इन फाइटर जेट प्लेन को 7 भारतीय पायलट उड़ाकर हरियाणा के अंबाला एयर बेस पे ला रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है इंडियंस के लिए। नेक्स्ट डे 28 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है यहाँ पर विश्व प्रकृति दिवस और विश्व हेपेटाइटिस दिवस, दोनों यहाँ पर मनाया जाता है। तो 28 जुलाई को पूरे विश्व भर में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे दोनों मनाया जाता है। साथ ही भारत में आज के दिन वन महोत्सव दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीबी ने तेज गेंदबाज काजी अनिल इस्लाम पर कितने साल का बैन लगा दिया है? 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल? तो करेक्ट आंसर है 2 साल। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप में टीम के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज काजी अनीक इस्लाम पर डोप टेस्ट में फेल होने पर 2 साल का बैन लगा दिया है। उन्हें 2018 में नेशनल क्रिकेट लीग के मैच में प्रतिबंधित पदार्थ मेथामफेटामाइन के लिए पॉजिटिव पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीसेस्टर सिटी के जेमी वार्डी कितने वर्ष की उम्र में पहली बार गोल्डन बूट अवार्ड जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं? तो वो हैं 33 वर्ष के, 33 इयर्स के। उन्होंने इस सीजन में 23 गोल किए हैं और वे 33 वर्ष की उम्र में पहली बार गोल्डन बूट जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस कंपनी से सिर्फ 9 महीने में 11 लाख
BS6 टू व्हीलर सेल करने का रिकॉर्ड बनाया है। हीरो होंडा ने, हीरो मोटर्स ने, टीवीएस मोटर्स ने या बजाज मोटर्स ने? तो करेक्ट आंसर है होंडा मोटर्स ने। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने सिर्फ 9 महीने में 11 लाख BS6 टू व्हीलर सेल करने का रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने सितंबर 2019 में BS6 वाहनों की सेल शुरू की थी। भारतीय बाजार में होंडा का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हीरो मोटरक्राफ्ट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के IIT संस्थान ने सबसे सस्ती 400 रुपये की कोरोना टेस्टिंग डिवाइस बनाने की घोषणा की है, तो कौन सी IIT ने की है? IIT दिल्ली, खड़गपुर, कलकत्ता या चेन्नई? तो करेक्ट आंसर है IIT खड़गपुर ने। इस अल्ट्रा लो कॉस्ट पोर्टेबल डिवाइस के जरिए कोरोना की जांच सिर्फ 400 रुपये में की जाएगी और केवल 1 घंटे के अंदर ही टेस्ट की रिपोर्ट भी मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया गेम्स 2021 को किस राज्य के पंचकुला में आयोजित करने की घोषणा की है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या महाराष्ट्र? तो करेक्ट आंसर है हरियाणा। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया गेम्स 2021 को हरियाणा के पंचकुला में आयोजित करने की घोषणा की है। पंचकुला का नाम इस बड़ी गेम्स के लिए फाइनल कर दिया गया और पंचकुला हरियाणा में स्थित है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 जुलाई को पूरे भारत में किसका स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का बल स्थापना दिवस या फिर महिला आयोग स्थापना दिवस, नीति आयोग स्थापना दिवस या निर्वाचन आयोग स्थापना दिवस? तो करेक्ट आंसर है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस। 27 जुलाई को मनाया जा रहा है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का स्थापना दिवस और CRPF का गठन 1939 में शाही प्रतिनिधि पुलिस के रूप में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश में पहला कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने पर सीमावर्ती शहर केसोंग में लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की गई है? तो ये देश है हमारा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में पहला कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने पर तानाशाह किम जोंग उन ने आपात बैठक बुलाते हुए सीमावर्ती शहर केसोंग में लॉकडाउन करने की घोषणा कर दी है। करीब 2 लाख की आबादी वाला केसोंग शहर दक्षिण कोरिया के साथ लगती सीमा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की टीम ने 30 सेकंड में COVID-19 टेस्ट का परिणाम देने वाले रैपिड टेस्टिंग किट पर कार्य कर रहे हैं? जापान, अमेरिका, इसराइल या चीन? तो करेक्ट आंसर है इसराइल। भारत और इसराइल की टीम 30 सेकंड में COVID-19 टेस्ट का परिणाम देने वाले रैपिड टेस्टिंग किट पर कार्य कर रहे हैं, जिसकी जानकारी हाल ही में इजरायली दूतावास ने दी है। साथ ही आने वाले समय में इसराइल के विदेश, रक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय के नेतृत्व में भारत इजरायली एंटी COVID-19 कोऑपरेशन शुरू भी करने जा रहा है। तो आज के करंट अफेयर यहीं ख़त्म होते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।